हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जॉब फॉर यू में। आज मैं जो जानकारी लेके आया वो है पंजाब स्टेट में गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है अभी, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये हाल ही का नोटिफिकेशन है जो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी जारी किया है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो कितनी है और क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस में कंडीशंस हैं, चलिए उनके लिए हम देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। इससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे चैनल पे जो अपलोड की जा रही है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है, 81 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की और 4 पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। डिपार्टमेंट है जिसमें ये पोस्ट निकली हुई है वो है वाटर सप्लाई। 81 पोस्ट है, ऑनलाइन फॉर्म है जो अप्लाई होंगे इसके लिए। इसके लिए जो कैटेगरी वाइज है दी गई है सीटें, जनरल के लिए है 17, एक्स सर्विसमैन पंजाब के लिए है 18 पोस्टें, पंजाब के लिए स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब के लिए 6 और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए है 12 पोस्ट, जिसमें से 6 पोस्ट हैं। जो 6 पोस्ट है वो है डीफ जिनको सुनाई कम देता है, और 6 जो है वो है वन लेग वन आर्म डिसेबिलिटी ओनली। एक है जैसे कि किसी की वन लेग या वन आर्म है जो डिसेबल है वही है जॉब है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बहुत लेग या बहुत आर्म है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। शेड्यूल कास्ट है अदर पंजाब जो उसके लिए है 2 पोस्ट। फिर आगे जो पोस्ट है जो कैटेगरी वाइज दी गई है दो दो पोस्ट है जो, और इसके बाद है जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए है वो एक एक पोस्ट दी गई है। इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट है जो अवेलेबल नहीं है। पे स्केल जो रहेगा ये 3 पॉइंट पे स्केल है जो, ये 35,400 रुपये 35,400 इनिशियल पे रहेगा। नोटिफिकेशन डेट है जो 21 अक्टूबर 2020 के अनुसार जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन ने जारी किया था। तो उसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन जो क्या होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होता है वो, या फिर डिग्री होती है बीटेक वगैरह, तो वो जूनियर इंजीनियर के लिए है जो सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिकल के लिए है उसके लिए भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों में से कोई भी डिप्लोमा हो या दोनों में से किसी में डिग्री हो। और तीसरा पॉइंट जो इसमें दिया गया है, पंजाबी ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड इज कंपलसरी फॉर बोथ द पोस्ट। जैसे कि इसमें जो 10th क्लास में है जो आपके पास पंजाबी होना अनिवार्य है, जैसे कि दूसरी स्टेट वाले कैंडिडेट्स अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको विद इन एक पीरियड टाइम होता है, आई थिंक 1 साल का दिया हुआ होता है, उसके अंदर है जो एक पंजाबी का अलग से पेपर होता है वो क्लियर करना पड़ता है। वो डिपार्टमेंटल है जो पेपर होते हैं जो अदर स्टेट से पंजाब में अप्लाई करते हैं उनके लिए, जिनके पास है जो पंजाबी है लैंग्वेज है जो एज ए सब्जेक्ट है जो 10th स्टैंडर्ड तक नहीं होता है उनके लिए। तो पंजाब की पोस्ट है तो इसके लिए जो स्टेट की जो बेसिक लैंग्वेज है वो पंजाबी है जो 10th तक है अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन के लिए देख के दिया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन बिफोर और बाई 31st ऑफ दिसंबर तक, ये जो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मगर इसके लिए जो स्टेट से अप्लाई करती है वो बाद में जो एक पेपर दे के पंजाबी लैंग्वेज का, 1 साल की लिमिट होती है, 1 साल का टाइम पीरियड होता है उनके लिए, उनको क्लियर करना होता है। एज है जो 18 ईयर टू 37 ईयर तक है जो 1/1/2020 तक होनी अनिवार्य है।
अपर एज लिमिट में भी रिलैक्स अप टू 45 ईयर्स ऑफ पंजाब स्टेट, द अपर एज रिलैक्स अप टू 42 ईयर्स ड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास पंजाब, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन। तो कंपिटिटिव जो एग्जाम होता है उसके लिए जो कितने मार्क्स होगा वो दिया गया है। द रिटन कंपिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट विल शेड्यूल टेंटेटिवली, ये होगा टेंटेटिवली ये होगा जनवरी 2021 में 81 पोस्ट के लिए और 4 पोस्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। टोटल मार्क्स का जो रहेगा वो रहेगा 300 का, और जो पैटर्न फॉर रिटन एग्जाम कंप्राइजिंग होगा 120 क्वेश्चंस दूंगे 2.5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, और टाइम पीरियड जो होगा 2 आवर्स है जो इसके लिए दिया गया होगा। क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए ये होगा 100 और इसमें जो मार्क्स होंगे 250, और क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के रहेंगे वो रहेंगे 20, वो रहेंगे 50 मार्क्स के। तो इसमें जो पहला दिया गया है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे वो अपने सब्जेक्ट से रहेंगे, जैसे कि सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, और आप इसमें नीटेल नोटिफिकेशन है जो देख सकते हैं हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए या SC/ST कैंडिडेट के लिए जो शेड्यू जो छूट दी गई है, जैसे कि आपको जो 45 मार्क्स लेने होंगे और कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने, और उसके बाद रहता है कि SC/ST कास्ट के लिए 40% मार्क्स है, और आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से पोस्ट करके जो पढ़ सकते हैं। नेशनलिटी क्या रहनी चाहिए, सभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन अप्लाई होगा उसके लिए ये आपको दिया गया http://ppsc.gov.in, इस ये जो साइट है इस पे जो फॉर्म अप्लाई होंगे। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 18 दिसंबर और इस पोस्ट के लिए, और चालान द्वारा जो फीस जमा करवाओगे तो आप 28 दिसंबर तक करवा सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन है जो फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स व्हेन आस्क्ड फॉर शॉर्ट नोटिस, तो ये सब आपके पास होने चाहिए। एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस, नेम ऑफ कैटेगरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज और एग्जामिनेशन फीस और टोटल, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स, इसके लिए जो अप्लाई करेंगे उसके लिए ₹500 एप्लीकेशन चार्जेस रहेगा और ₹625 फीस यानी कि ₹1125। एक्स सर्विसमैन के लिए है जो ₹500 हैं। ऑल अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लीनियल डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन पंजाब, उसके लिए आपको है जो ₹3000 फीस है, और हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी फिजिकल हैंडीकेप पंजाब स्टेट ओनली, उसके लिए 1750 है, अदरवाइज आपके ₹3000 लगेंगे। ये जो फीस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पंजाब स्टेट में एग्जाम फीस है जो बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी जॉब के लिए, 3000 और ये 1125, ये आपके इनकी शेड्यूल कास्ट की ये मिनिमम फीस है ₹1125, और हैंडीकेप कैंडिडेट की भी काफ़ी फीस ले रही हैं ₹1750। तो ये पंजाब स्टेट में एग्जामिनेशन फीस है वैसे ज़्यादा, मगर जॉब के लिए है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आप डिटेल नोटिफिकेशन है जरूर पढ़ लीजिएगा। कंडीशंस विच मे रेंडर ए कैंडिडेट इन एलिजिबल, इन एलिजिबल के लिए क्या है, वो कैंडिडेट से जो आप इस वो कैंडिडेट्स में जरूर देखें। इम्पोर्टेंट नोट है, डेफिनेशन ऑफ कैटेगरीज है ये दिए गए हैं। इसके बाद जो आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब शेड्यूल कास्ट डिसेबल कैंडिडेट्स, ये नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लें, डिटेल नोटिफिकेशन। उसके पास है जो डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन है
जो जारी किया गया था 21 अक्टूबर 2020 को, जो फीस के लिए, जो आपके पे स्केल के लिए, वो ये है, दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए जो है 35,400 रुपये और जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए 25,500। तो ये जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट है, तो 35,400 इसमें रहेगा। और आप इसको डिटेल के साथ है जो पढ़ सकते हैं। जिसको पहुंच करके है जो आप पढ़ सकते हैं डिटेल को। ये अनेक्सर है, नेक्स्ट 3। ये नोटिफिकेशन है 21 अक्टूबर 2020 का, रूल्स रेगुलेशन है जो इस पोस्ट के लिए, उसके बारे में। इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो सिलेबस है उसके बारे में है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ऊपर दिया गया है और मैकेनिकल के लिए दिया गया है। ये आप है जो कि आप है जो सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करेंगे। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरे द्वारा जो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होता है, और बहुत सी वीडियो होती है जो जॉब से रिलेटेड है, तो आप जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।